अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार मूली पालक की सब्ज़ी, वो भी मेरे स्टाइल से। आजकल मार्केट में ढेर सारी अच्छी और कच्ची कच्ची मूलियाँ आई हुई हैं, तो ये बेस्ट टाइम है मूली की सब्ज़ी खाने का और बनाने का। सही टाइम पे आप सब्जियों का फ़ायदा उठाएं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इनका। तो चलिए फिर यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मूली की सब्ज़ी है और ये दो बड़े साइज़ की मैंने मूलियाँ ली हैं, जिनका वज़न आधा किलो जितना बैठ रहा था। ठीक है, मूली को मैंने साफ़ किया, छिलके उतारे और इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइस में मैंने इनको काटा है। आप चाहें तो अपने स्टाइल से स्लाइसेस इसके काट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इसको इस तरीके से रखा है। इसके अलावा मेरे पास पालक है, तकरीबन 3 पाव मेरे पास पालक है। पालक को भी मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉप किया है। और चॉप करने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से धोया है, क्योंकि पालक में काफ़ी मिट्टी होती है, तो आपने बहुत अच्छे से धोना है। इसके अलावा जो 2 अदद मैंने मूलियाँ ली हैं, उन दोनों मूलियों के मैंने पत्ते भी लिए हैं और पत्तों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, जिस तरीके से मैंने पालक को किया है, और इन पत्तों को भी मैंने बहुत अच्छा धो लिया है। तो ये सब्ज़ियाँ हमारे पास कटी हुई भी हैं और धुली हुई भी हैं। अब इनकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। मैं हांडी में बना रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो पतीले में बना सकते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने से पहले आपने हांडी को गर्म करना है अच्छा, क्योंकि ये गर्म होने में काफ़ी टाइम लेती है। तो पहले आपने गर्म करना है, फिर ऑयल डालना है और फिर हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ की प्याज 2 अदद। अब यहाँ पे प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि प्याज पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाता है किसी भी सब्ज़ी का। अगर मिट्टी की हांडी आपके पास है तो इसमें बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल लाइट सा कलर आया है प्याज पे। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक। अब लहसुन अदरक को भी 1 से 2 सेकंड के लिए बस हमने मिक्स करना है कि इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब लहसुन पे हल्का सा कलर आ जाए तो 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा हम डालेंगे, और ज़ीरे को सिर्फ मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी, पकाऊँगी नहीं तो ज़ीरा कड़वा हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये बड़ा बेहतरीन कलर आ चुका है लहसुन पे भी और प्याज पे भी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि हांडी काफ़ी गर्म हो चुकी है, ऐसा ना हो कि हमारी प्याज जो है वो जल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। गोल वाली लाल मिर्चें डालूंगी 5 से 6 अदद। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। अब यहाँ पे पहले इन मसालों को मैं अच्छा मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी 1 से 2 सेकंड के लिए, ताकि ये मसाले सारे एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें 1/2 कप जितना पानी डालूँगी और इनको मिक्स करेंगे, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे, कि टमाटर नरम भी हो जाएँ और मसाला अच्छा सा पक जाए। ठीक है, बस 2 मिनट हमने इसको पकाना है। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखें जी, टमाटर हमारे बेहतरीन नरम हो चुके हैं। ये घुले नहीं हैं, लेकिन ये नरम हो चुके हैं। अभी हम इसको भूनेंगे तो टमाटर घुल जाएंगे और मसाला अच्छा पक चुका है। ठीक है, कवर करके हमने मसाले को पकाया है ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। अब हम इसमें डालेंगे मूली की सब्ज़ी, और साथ में मैं मूली के पत्ते भी डाल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम आंच पे मैं पहले मूली की सब्ज़ी को मसाले के साथ अच्छा भूनूंगी। पालक हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं इस सब्ज़ी को अच्छा सा मसाले के साथ भूनूंगी, ताकि ये अच्छी सी भुन जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो ये देखें, ये सब्ज़ी अच्छी सी भुन चुकी है और अभी इसमें से पानी निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पालक। ठीक है, क्योंकि पालक डालने के बाद इसकी भुनाई जो है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, तभी हमने सब्ज़ी को पहले भून लिया। अब इसमें सारी की सारी डाल देंगे पालक, और इसमें मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी। पानी डालने का रीज़न ये है कि हम हांडी में पका रहे हैं और ये जो पालक है इसमें से फ़ौरन से पानी नहीं निकलेगा तो सब्ज़ी जल जाएगी। तो इसलिए मैंने 1 ग्लास पानी का डाला है, ताकि सब्ज़ी जले नहीं और बाद में अगर पालक में से जितना पानी निकलना हो वो निकले। इसको कवर करके हमने हल्की आँच पर इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट, जब तक ये सब्ज़ी और पालक गल नहीं जाती है। तो यहाँ पर देखें, पकते हुए इसको तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाना था कि इसकी क्या पोजिशन, ये देखें जी, पानी अच्छा खासा सब्जी में से भी निकला है, पालक में से भी निकला है, ये देख रहे हैं। बस इसी पानी में हम पालक को भी गलने देंगे
और मूली की सब्ज़ी को भी गलने देंगे, इसी पालक में गलेगी। आंच को हल्का ही रखा हुआ है, कवर करके वही टाइमिंग जो मैंने आपको बताए थे 10 से 12 मिनट बस हम इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी गल जाए। 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बेहतरीन हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार है, तकरीबन तैयार है। लेकिन पानी आप देख रहे हैं इसमें अच्छा खासा है क्योंकि हल्की आंच पे इसको हमने पकने के लिए रख दिया था। मूली में आपको दिखा देती हूँ, बेहतरीन गल चुकी है। अब हमने सिर्फ इस पानी को ड्राई करना है और कुछ नहीं करना है। आंच को तेज़ करेंगे, तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट बस हम इसको भूनेंगे कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना वो साइडों पर निकलना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में और इसका पानी ड्राई होने में। ये देखें, अब ये पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको और मज़ीद भूनेंगे तो ये देखें जी, अब ये सब्ज़ी बेहतरीन भुन चुकी है। आपने ध्यान रखना है कि इसकी भुनाई अच्छी हो चुकी है क्योंकि ये सब्ज़ी ठंडी होने के बाद इसमें से पानी निकलना स्टार्ट होता है, तो आपने बहुत अच्छा इसको भूनना है। देखिए, हमने इसको तेज़ आंच पे भुना है और तेज़ आंच पे कभी भी किसी भी सालन का ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आता है, तो हमने हल्की आँच पर इसको दम पर रखना है 2 मिनट। 2 मिनट के बाद सारा ऑयल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, धुआं निकलती हुई मज़ेदार हमारी मूली पालक की सब्ज़ी यहाँ पे तैयार है। ऑयल साइडों पर सारा निकल कर आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। मैंने आप लोगों को साग बनाना सिखाया था, बहुत सारी बहनें कंफ्यूज थी कि उस साग में हम मूली की सब्ज़ी डाल दें। देखिए, वो साग की रेसिपी है, अगर आपको साग का मज़ा लेना है तो उसको उसी तरीके से बनाएं। उसमें आप मूली की सब्ज़ी ना डालें, अगर डालनी होती तो मूलियाँ मेरे पास रखी हुई थी, मैं भी डाल सकती थी। वो साग है, उसको उसी तरीके से बनाएं। और बाकी मूली की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपको दी है, अगर आपने मूली की सब्ज़ी बनानी है तो फिर इस तरीके से बनाएं। मूली की सब्ज़ी जी तैयार होकर आ गई है, हम यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से, और मिट्टी का जो धीमा धीमा टेस्ट आ रहा है उसकी तो क्या ही बात है। आपने ज़रूर बनानी है, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी।